इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 साइंटिफिकली प्रूवन टिप्स जिन्हें फॉलो करके ओनली 7 डेज के अंदर यू कैन गेट रीड ऑफ योर क्लेफ्ट चिन एट होम। अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लो 3 नेत्रा फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं प्रोवाइड कराता हूँ हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड रियल और क्वालिटी इंफॉर्मेशन, और बन जाइए हमारी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर। हमारी फर्स्ट टिप आती है मसल फाइबर बिल्डअप। मेरा आप सबसे एक सवाल है कि व्हाई डू वी गेट क्लेफ्ट चिन। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, जब हमारी चिन की मसल्स आपस में मर्ज हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है, चिपक जाती है, क्रिएटिंग अ क्रेटर एट आवर चिन रिजल्टिंग इन क्लेफ्ट चिन, मतलब वहां पे गड्ढा बन जाता है ड्यू टू द डिफॉर्मिटी ऑफ आवर चिन मसल्स रिजल्टिंग इन बट चिन, यानी क्लेफ्ट चिन हो जाता है हमें। हियर आफ्टर नोइंग द कॉज ऑफ क्लेफ्ट चिन, अब इसे ठीक करना हमारे लिए बहुत आसान है। एज ऑल वी हैव टू डू इज फील दैट क्रेटर, फील दैट गैप बिटवीन आवर चिन मसल्स, एंड इन दिस नोबल कॉज हमारी हेल्प करेंगे फ्यू एक्सरसाइजेस जो हमारे चिन के अंदर न्यू ग्रोथ करेंगे, न्यू मसल फाइबर्स बनाएंगे, दोस फाइबर्स विल फील दैट क्रेटर इन आवर चिन। सो हियर इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर आवर चिन, रेदर आई से द होल जॉ, विच इज चुइंग। आपने एकदम सही सुना, चबाना। जब हम लोग कोई भी चीज चबाते हैं तो नॉट ओनली अवर चिन, हमारे पूरे जबड़े, पूरे जॉ की काफी अच्छी एक्सरसाइज होती है। और अगर हमें अपनी बॉडी के किसी भी मसल्स को ग्रो करना है, बिगर एंड स्ट्रॉन्गर बनाना है, तो सिंपल सी बात है, हमें उसकी स्पेसिफिक वर्कआउट्स करनी पड़ेगी। एंड सेम गोज विद दी जॉ। अगर आपको अपनी बट चिन को नॉर्मल चिन में कन्वर्ट करना है और अपनी जॉ लाइन एंड फेशियल मसल्स को काफी ज्यादा एट्रैक्टिव बनाना है, तब आपको इसका भी वर्कआउट करना पड़ेगा। और तभी तो सभी लोग कहते हैं कि हमें खाना 32 बार चबा के खाना चाहिए। 32 टाइम्स च्यूइंग फूड नॉट ओनली मेक्स द फूड इजियर टू डाइजेस्ट, ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बट ऑल्सो डेवलप्स न्यू मसल फाइबर्स इन आवर जॉ, स्पेसिफिकली इन आवर चिन। सो अब जान लेते हैं हमें च्यूइंग वर्कआउट करना कितनी बार है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जब भी खाना खाओ तो उसे 32 टाइम्स जरूर चबाएं, एंड इन एडिशन टू दैट आप च्यूइंगम चबाने की हैबिट डेवलप करें। और च्यूइंगम को भी कैसे चबाना है, आपको दिन में एटलीस्ट 3 बार च्यूइंगम चबाने हैं, और हर बार च्यूइंगम को आपको कंटिन्यूसली 15 मिनट्स तक चबाते रहना है। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है, एंड बिलीव मी, ये एक वर्कआउट आपके जॉ को जितना स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, जितनी नई मसल फाइबर्स को डेवलप करेगा, उतना कोई वर्कआउट नहीं कर सकता। एज बाई नेचर ही हमारा जो ऐसे डेवलप हुआ है कि जब हम लोग उसको ज्यादा यूज करेंगे तो उसके अंदर ज्यादा मसल फाइबर्स बनेंगे। हमारी सेकेंड टिप आती है डेवलपिंग मसल मेमोरी। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो मेरी इस हेल्दी जर्नी के ऊपर, तब आपको पता ही होगा कि मैं मसल मेमोरी का एक बड़ा फैन हूं। एज द कॉन्सेप्ट ऑफ मसल मेमोरी इज सो एक्सलेंट एंड एक्यूरेट दैट इट इज यूज इन ईच एंड एवरी सिंगल फील्ड ऑफ लाइफ। चाहे मैं कंप्यूटर के ऊपर लैपटॉप पे टाइपिंग की बात करूं या फिर जिम के अंदर हेवी ड्यूटी वर्कआउट्स की बात करूं। हियर जिनको पता नहीं है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मसल मेमोरी, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, आप जब फर्स्ट टाइम पुशअप्स करते हो तब आपके लिए पुशअप्स करना काफी ज्यादा हार्ड होता है, काफी डिफिकल्ट होता है, बट जब आप नेक्स्ट टाइम पुशअप्स करते हो तो वो रिलेटिवली काफी ज्यादा ईजी हो जाता है आपको पुशअप्स परफॉर्म करना। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ बिल्डअप हो गई है, आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। इसका ये मतलब है कि हमारे ट्राइसेप एंड बाइसेप मसल्स जो नॉर्मली पुशअप परफॉर्म करते समय एंगेज होते हैं, उनके अंदर मसल मेमोरी डेवलप हो गई है टू परफॉर्म अ पुशअप। बेसिकली हम लोग जिस काम को या वर्कआउट्स को रेगुलरली परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी आफ्टर सम टाइम उस वर्कआउट को करने की हैबिचुएट हो जाती है, और यही मसल मेमोरी का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे हमारे बट चिन यानी क्लेफ्ट चिन को नॉर्मल चिन में कन्वर्ट करने के लिए। ऑल यू हैव टू डू इज सिट इन अ थिंकिंग पोज, मतलब आपको अपनी हथेली की मदद से अपने चिन मसल्स को थोड़ा सा सपोर्ट देके ऊंचा करके बैठे रहना है। इट इज अ सिंपल येट इफेक्टिव मेथड टू रिड्यूस द क्रेटर ऑफ अवर क्लेफ्ट चिन। हमारे चिन के अंदर जो गड्ढा हो रखा है उसकी साइज कम करने में ये हमारी बहुत हेल्प करता है।
एज जब हम थिंकिंग पोज में बैठते हैं तो हमारी हथेली की वजह से हमारे चिन के मसल्स चिन बोन से थोड़े गैप के ऊपर रहते हैं, और हमारे चिन बोन से गैप पे रहने की वजह से हमारे चिन मसल्स में जो क्लेफ्ट बना हुआ था वो टेम्परेरीली गायब हो जाता है, वो नॉर्मल चिन में कन्वर्ट हो जाती है, और यही हमें चाहिए। और जब आप ये रेगुलरली थिंकिंग पोज परफॉर्म करोगे तो हमारे क्लेफ्ट चिन के मसल्स में ये मेमोरी डेवलप हो जाएगी कि वहां पे क्लेफ्ट नहीं है, वहां पे कोई भी क्रेटर नहीं है। एज जब वो बोन से दूर रहेगा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तब वहां पे कोई भी क्लेफ्ट प्रेजेंट नहीं रहता है। सो अब जान लो आपको थिंकिंग पोज परफॉर्म कब करना है और कितनी देर तक करना है। आई वुड सजेस्ट यू टू परफॉर्म इट एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि मसल मेमोरी डेवलप करना इज अ ट्रिकी गेम। देन ऑल्सो मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट शेयर कर दे रहा हूं। सो हियर आपको इसको दिन में एटलीस्ट 2 times परफॉर्म करना है फॉर अराउंड ऑफ 5 minutes। मतलब एक बार इसे परफॉर्म करोगे मॉर्निंग में 5 minutes के लिए, और एक बार रात को सोने से पहले 5 minutes के लिए। दैट्स ऑल। हमारी फाइनल टिप आ जाती है फेशियल मसाज। हमारे आयुर्वेद के अंदर एक कहावत है, मर्दनम बल वर्धनम। इसका यह मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को मसाज करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। एंड इन दिस केस ऑफ क्लेफ्ट चिन फेशियल मसाज प्लेस अ वाइटल रोल। बाय परफॉर्मिंग फेशियल मसाज इट नॉट ओनली हेल्प्स विद क्लेफ्ट चिन बट ऑल्सो रिड्यूसेस द डार्क स्पॉट्स एक्ने पिंपल्स बाय रिमूविंग द टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर फेशियल स्किन एज वेल एज इट रिजुविनेट्स आवर स्किन एंड प्रोवाइड्स इट मोर इलास्टिसिटी। जैसे जैसे हम लोग अपने लेटर एज के अंदर पहुंचते हैं, बड़े होते हैं, तो हमारी स्किन धीरे धीरे इलास्टिसिटी लूज करने लग जाती है, विच कुड रिजल्ट इन इवन डीपर क्लेफ्ट ऑफ चिन। मतलब जितनी लटकी हुई चमड़ी होगी उतना ही बड़ा और भद्दा दिखेगा हमारा क्लेफ्ट चिन। सो अगर आपको इस फ्यूचर कंडीशन को अभी से प्रिवेंट करना है, देन आपको अपनी स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन करनी होगी, और उसके अंदर हमारी हेल्प करती है फेशियल मसाज। सो अब जान लेते हैं हमें फेशियल मसाज कब करनी है और कैसे करनी है। बिफोर स्टार्टिंग द फेशियल मसाज आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर या फिर लोशन जरूर यूज करना इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी डैमेज टू आवर फेशियल स्किन एज इट इज सुपर सेंसिटिव टू रफ मसाजिंग। हियर मैं पर्सनली मामा अर्थ का कोको बॉडी लोशन यूज करता हूँ व्हेन इट कम्स टू फेशियल मसाजिंग, एज इस लोशन के अंदर हमें कॉफी बीन्स मिल जाते हैं जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, साथ ही साथ ही हमारे फेस के ऊपर प्रेजेंट बैड बैक्टीरिया को किल करते हैं। ऑन द अदर हैंड इस लोशन के अंदर हमें कोको बटर मिल जाता है जो डीप मॉइस्चराइज करता है हमारी फेशियल स्किन को, और मैं इसे इतना ज्यादा इसलिए यूज करता हूँ एज ये काफी ज्यादा लाइट है और ये इतना स्टिकी भी नहीं है लाइक अदर मॉइस्चराइजर्स। इन केस आप मामा अर्थ के कोको बॉडी लोशन को ट्राई करना चाहते हो तो मैं इसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। सो आपको अपनी फेशियल मसाज दिन में 2 बार करनी है, फर्स्ट नहाने से पहले एंड सेकेंड रात को सोने से पहले। हियर हमें सर्कुलर मोशन के अंदर अपने होल चीक्स एंड चिन के ऊपर अच्छे से लोशन से मसाज करनी है जिससे उसमें अच्छे से मॉइस्चराइजेशन हो और वहां पे लूज स्किन रिजुविनेट होकर के टाइट एंड हेल्दी एंड ग्लोइंग बन जाए। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपकी स्किन के ऊपर ब्यूटी टिप्स की प्लेलिस्ट चल रही होगी, वो आप देख लेना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड तो कॉमेंट करना मत भूलना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।